नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। इस वीडियो में आपको देश विदेश और सभी राज्यों की खबरें बताई जाएगी। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटे के बटन को जोर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले इराकी हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला किया है। ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तीसरी बार हमला किया गया। बगदाद के उत्तर में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं की मौजूदगी वाले एक इराकी हवाई अड्डे अल ताज को रॉकेट का निशाना बनाया गया। अल ताज एयरबेस राजधानी बगदाद से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इराकी सेना ने बुधवार को बताया कि उन प्रतिष्ठानों पर यह ताज हमला है जहां अमेरिकी सैनिक तैनात है। इस एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों और इराकी सैनिकों के साथ ही कई अन्य देशों के सैनिक भी मौजूद है जिनका अमेरिका के नेतृत्व में कई ऑपरेशन में सहयोग लिया जाता है। इराकी सेना ने बयान में हालांकि यह नहीं बताया कि यहाँ पर कितने रॉकेट दागे गए हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि इस हमले की अभी तक किसी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। अमेरिकी हमले में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमान के मारे जाने के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तीसरी बार बड़ा हमला किया गया है। इस खबर के बारे में जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों हम आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से तनाव का स्तर बढ़ रहा है उसे भारत बहुत ही चिंतित है। मौजूदा परिस्थितियों में भारत के लिए जितना अहम अमेरिका है उतना ही ईरान है। इन दोनों देशों के बीच जंग से भारत को दोहरा झटका लगेगा, इसलिए भारत लगातार दोनों देशों के संपर्क में है और तनाव कम करने में भूमिका निभा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम एशियाई देशों में करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं। इससे ज्यादातर लोग फारस की खाड़ी के तटीय इलाकों में रहते हैं। बड़ी तादाद में भारतीय ईरान के करीब संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और कुवैत में रहते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अकेले ईरान में 400 भारतीय रहते हैं। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत को कच्चा तेल आयात करने में भी दिक्कत आएगी। हालांकि बीते 2 साल में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव से भारत ने ईरान तेल आयात को बहुत ही कम कर दिया है, लेकिन अब भी देश में तेल बड़ी तादाद में इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से आयात होता है जिसका भारत तक पहुंचने का रास्ता फारस की खाड़ी के गलियारों से होकर गुजरता है। आर्थिक मंदी के इस दौर में भारत के लिए महंगा तेल आयात जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। अगर अमेरिका और ईरान में और तनाव बढ़ता है तो खासकर खाड़ी देशों में रह रहे लोग देश वापस आ जाएंगे। इससे भारत को आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि खाड़ी देश से ज्यादातर लोग कमाने के लिए गए हैं और वहाँ से बड़ी तादाद में वो अपने घरों में पैसे बेचते हैं। जो पैसा आता है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का एक अहम हिस्सा बनता है। अगर ये लोग वापस आए तो भारत को काफी नुकसान होगा।